नाजिन एक फुटेज है जो अब तक सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ही वायरल हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलि रहनुमा हैं और वो उनका एक बुजुर्ग के साथ जो है वो झगड़ा हो रहा है उनके ऊपर तशद कर रहे हैं इस सारी चीज़ की जो तफसीत हैं जो बैकग्राउंड है वो सारा मैंने निकाला है और मैंने पता करवाया वो मैं सारी चीज़ें अभी आपके सामने रख देता हूँ असलम मैं हूं मंसूर अली खान अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदी कहूँगा सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा नाजन एक फुटेज है एक जो अब तक सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ही वायरल हो चुकी है थमनेल आप ऑलरेडी देख चुके हैं फुटेज तो मुख्तलफ़ कैमराज से बनी हुई है उसके अंदर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलि रहनमा हैं और वो उनका एक बुजुर्ग के साथ जो है वो झगड़ा हो रहा है और कुछ के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो एक पता नहीं प्लेट फेंकते हैं या कोई चीज़ फेंकते हैं और एक के अंदर जो है वो उनके ऊपर तशद कर रहे हैं मैंने बहरहाल इस सारी चीज़ की जो तफसीलात हैं जो बैकग्राउंड है वो सारा मैंने निकाला है और मैंने पता करवाया है वो मैं सारी चीज़ें अभी आपके सामने रख देता हूँ तो ताकि जो तफसी सामने आई हैं सबसे पहले इस वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद या एक्चुअली ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे पाँच मुख्तलिफ सियासतदान हैं बेसिकली वो मैरियट होटल इस्लामाबाद के अंदर इफ्तारी कर रहे थे और ये वाक़ पेश आता है इफतारी से पाँच मिनट पहले का एक्चुअली ये लड़ाई पाँच मिनट पहले की नहीं है वाक़ स्टार्ट होता है इफतारी से पाँच मिनट पहले नूर आलम खान जो एक्चुअली पाकिस्तान तरीक़ेन साहब के एम एन ए और आप सब अब जानते ही हैं कि ये उन लोगों में से हैं वो सिंध हाउस के अंदर शामिल हुए थे और जो नाराज़ हैं और जिन्होंने फैसला किया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेख वकास अक्रम शेख वकास अक्रम जो हैं व एक्टिव पॉलिटिक्स पर नहीं हैं वो यूट्यूब के ऊपर तज्जिया देते हैं इन मामला के ऊपर फैसल करीम कुंडी आ, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनम है और नदीम अब्दुल चंद जिन्होंने अभी रिसेंटली पी टी आई छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है तो ये पांच लोग वहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे तो इफ्तारी से पाँच मिनट पहले ये जो साहब हैं ये आए और इनके साथ बताया जाता है कि चंद ख़वात भी थीं और चंद मर्द हजरात भी थे और ये भी वहाँ पर इफ्तारी करने के लिए आए तो इन्होंने इनको देखा नूर आलम खान को और ये वहाँ पर आए इनकी टेबल के पास और टेबल के पास आके तो इन्होंने नूर आलम खान से पशतों में बात करना शुरू की तो वो बोलते गए अच्छा ये बाकी जो लोग थे वो सुन रहे थे लेकिन ऑब्वियसली इसमें से मुस्ता नवाज खोकर शेख वकास अक्रम और नदीम अफजल चान चूँकि इनका ताल्लुक पंजाब से है तो इनको कुछ नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बात हो रही है वो पश्तों में गुफगू कर रहे थे और जो गुफ्तगु थी वो डायरेक्टेड थी नूर आलम खान की तरफ वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, बोलते गए और बोलने के बाद जो है वो वहाँ से चले गए तो वहाँ पे इनसे नूर आलम खान से बाकी लोगों ने पूछा कि जी वो क्या कह रहे थे आपको तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी फाउल लैंग्वेज यूज़ करके गए हैं और मुझे माँ बहन की गालियाँ देखकर गए हैं ये और इन्होंने बोली कि तुमने पैसे ले लिए तो बिक गए हो तुमने अपना वोट जो है वो भेज दिया है ये सारी बातें कह के जो है वो ये गए हैं यहाँ से तो वहाँ पर कहते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो है वो आ, खड़े हुए कि मैं इनसे जाके बात करूँ कि ये नाइंसाफी है लेकिन बाकी लोगों ने इनको रोक दिया कि अभी आप ठहर जाएं अभी यहाँ पे इफ्तारी होने लगी है तो अच्छा नहीं लगता कि इफ्तारी के वक्त जो है वो इस किस्म की बहस वसा हो इसको बाद में देखते हैं उसके बाद जब इफ्तारी वगैरह स्टार्ट हो गई और लोगों ने इफ्तारी कर ली उसके बाद चूँकि वहाँ पर वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर बूफे सिस्टम है वहाँ पर तो बूफे करने के लिए जो है वो बाकी ये सब लोग जब उठे हैं और ये जाने लगे तो तब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो हैं इन बुज़ुर्ग के पास गए और उन्होंने उनको जाके कहा कि आपने बहुत ज़्यादी की है आपको ये सारा कुछ नहीं कहना चाहिए था आपके साथ भी खातन हैं आपने अगले को माँ बहन की गालियाँ दे दी ये सही नहीं किया आपने है तो इस मौके के ऊपर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने फिर गालियां देना शुरू कर दी और नूर आलम खान के साथ जो है वो फिर हम कलाम उनको फिर उन्होंने गालियां दी अब इस मौके के ऊपर बेसिकली क्योंकि मुख्तल जगहों से फुटेज बनी हुई और कंप्लीट फुटेज नहीं है आ, मतलब स्टार्ट टू एंड आपको कोई भी फुटेज क्लियरली नजर नहीं आ रही लेकिन देखा जा सकता है कि एक फुटेज के अंदर वो कुछ फेंकते हैं इनकी तरफ उसके बाद नदीम अब्दुल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर आते हैं वो इनको जब धक्का देते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं इस तरह बाकी लोग भी आते हैं आ, वो भी आके जो है वो इनको जदोकोप करते हैं और आ, मतलब ये एक बड़ा ही आ, आ, मैं क्या कहूँ एक डिस्कस्टिंग किस्म का सीन जो है वो ना वो इस रेस्टोरेंट के अंदर देखने में आया आ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ है जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि उसके बाद जो सिक्योरिटी वहाँ पे आ गई सिक्योरिटी ने जो बुज़ुर्ग थे और इनके साथ जो बाकी फैमिली थी इनको वहाँ से रिमूव किया और बाकी ये जो सियासतदान थे इन लोगों ने अपनी इफ्तारी वहाँ पर कम्प्लीट की और इस तरह ये बीच बचाव करवाया गया और आ, मतलब मैरिड जैसी जगह के ऊपर जो है वो इस किस्म का सीन आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब आ, इनका ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये प्रोवोक्स था हम लोग तो बैठे आराम से अपना खाना खा रहे थे और ये इन्होंने सब कुछ किया नूर आलम खान के साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ये दूसरा वाक़ा है जब किसी ने आके इस तरह उनकी वीडियो बनाते हुए जो है ये सब कुछ कहा अभी आपको याद होगा इससे पहले वो एक होटल की लॉबी में बैठे हुए थे तब उनके साथ ये सब कुछ हुआ था और वो उस वक्त बताया जाता है कि वो पी के बाहर से आए हुए पाकिस्तान से बाहर से आए हुए चंद उहदेदार थे जिन्होंने एक्चुअली वो वीडियो बनाई थी और इनको सब कुछ कहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा इसके ऊपर नुकता नजर ये है कि अब जो सूरत हाल हम जहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं कि पब्लिक डोमेन्स के अंदर ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं कि आपने अब ये परवाह नहीं करनी कि आपके साथ फैमिली है या अगले के साथ कोई फैमिली भी हो सकती है मतलब यही नूर आलम खान अपनी फैमिली के साथ भी बैठे हो सकते थे या अगर वो नहीं भी बैठे हुए तो वो अपने दोस्तों के साथ या पॉलिटिशन्स के साथ बैठे हुए हैं तो इसको जाके इस तरह अपने आप को मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना गालम गलोच के साथ दिस इज़ वेयर वी हैव हाँ रीच टूडे आपको बहुत से लोगों से इख्त हो सकता है ज़रूरी नहीं है मेरे साथ बहुत से लोगों के खिलाफ हो सकता है लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि मैं उनसे लड़ना शुरू कर दूँ या मैं उनको गालियाँ देना शुरू कर दूँ और बहुत बड़ी बड़ी बात के ऊपर मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातों पर आपका इख्त हो सकता है हम तो मतलब तो ये सियासतदानों की अगर आप बात करें हम तो कई ऐसे सियासतदानों के बारे में हमें पता भी होता है कि वो, वो करप्शन की हुई है उन्होंने लेकिन इसका मतलब कथित तौर पर ये नहीं होता कि आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाकर उनसे लड़ना शुरू कर दें तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है अब इससे पहले भी 2014 के अंदर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि यही चीज हो, होना शुरू हो गई थी कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है ना वो लोग एक दूसरे को गालम गलोच लड़ाइयां और ये चल रहा है सिलसिला ये अभी भी चल रहा है फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ, पुराने पुराने दोस्त रिश्तेदार ब्लड रिलेशन जिनके आपस में हैं वो इन लोगों की खातिर आपस में लड़ रहे हैं जिनका आपस में इन और दोनों का सियासतदानों के साथ लेना देना भी कोई नहीं है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आपस में लड़ते देखा है जिनका कोई जानने वाला भी नहीं है सियासत के अंदर लेकिन वो इमरान खान और शबाज़ शरीफ और नवाज शरीफ के पीछे लड़ी जा रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं और वो नवाज शरीफ इमरान खान इन लोगों को जानते भी नहीं होंगे कि ये कौन है लेकिन सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर कि जी तुम इमरान खान को फॉलो करते हो तो तुम नवाज शरीफ को फॉलो करते हो तो इसका मतलब है तुम चोर डाकू लुटे रही होगे या तुम करप्ट करप्टे या तुम गद्दार हो गए मैरा मतलब यहाँ तक जो है वो ये चीज़ें आ चुकी हैं और और तो और ये और दूसरी बात यह कि मतलब ये तो अभी एडल्ट्स हैं आप सोचिए कि ये एडल्ट्स हैं और ये आपस में इस तरह गुथम गुथा हुए हैं आप सिर्फ वो सोचिए कि जो यंगस्टर हैं जो यंग पौध है बीस इक्कीस बाईस तेईस साल की उसकी जेनी कैफियत इस वक्त क्या होगी और क्योंकि उसने तो ना हिस्ट्री पढ़ी हुई है ना उसको सही तरह नॉलेज होती है चीज़ों की वो तो और वो हाथ उठाने के अंदर तो वैसी माहिर हैं गाली देने के अंदर भी जो है वो एक मिनट लगाते हैं तो जब एडल्ट जो हैं जो आ, बुजुर्ग हैं वो जब वो ये चीजें नहीं सीख रहे कि भाई आपने अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह करना है तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए और अपने ओपिनियन को लेके सब लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि भाई मैं जो सोच रहा हूं ना जो बात मेरी है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी कोई चीज़ सीख नहीं है कतई तौर पर कोई चीज अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी अपनी टीम है मेरी अपनी जो टीम है चाहे वो प्रोग्राम की टीम हो या और भी मतलब मेरे जो आ, ये ये जो चैनल के हवाले से भी हो अगर किसी को सियासी तौर पे आ, वो जरूरी नहीं है कि वो मेरी राय से आ, जो है वो मुतफिक हो वो उसकी एक अपनी राय हो सकती है वो और मैं इस चीज़ को अप्रीशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को अप्रीशिएट करता हूँ कि बेशक उसकी राय मुझसे मुख्तलफ हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को अगर अपनी टीम में शामिल करूँ तो मैं इस बुनियाद के ऊपर करूँ कि भाई क्या ये और मैं आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते बल्कि अगर आपकी राय मुख्तलिफ हो और आप मुख्तलिफ नजरिया फिक्र के लोगों को अपनी टीम के अंदर शामिल करें तो एक अच्छी डिबेट -डि -डि बाहर निकलती है एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बाहर निकलता है अगर सारे के सारे रंग एक जैसे बिठा दें आप पांच बंदे हैं तो पांच के पांच बंदे एक जैसे ही सोचते हैं वो कभी भी एक अच्छी चीज बाहर नहीं निकाल सकता जरूरी है यह खूबसूरती होती है कि ये सब के सब लोग जो है वह मुख्तलिफ सोच के हों ताकि एक अच्छी डिबेट तहजीब के अंदर रहते हुए डिबेट के साथ आप एक अच्छी बहस बाहर निकाल सके एक अच्छा रिजल्ट बाहर निकाल सके ये हमारी सोसाइटी की पॉलिटिक्स जो होती है उसको एक खूबसूरत तरीके से भी डील किया जा सकता है डिबेट के जरिए फ्रस्ट्रेशन आती है मैं जानता हूं बिल्कुल आती है कभी किसी पार्टी का पलड़ा भारी होता है कभी किसी का होता है कभी कोई समझता है हमारे साथ जाती हुई है कभी कोई समझता है लेकिन उसको आप पब्लिक प्लेसेस के अंदर इस तरह करके अपने और अगले की इज्जत को तार तार नहीं करते अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला 2012-2013 से शुरू हुआ है और अब 10-11 साल हो चुके हैं हम इस चीज़ से बाहर नहीं आ सके नहीं आ सके और हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई चीज़ हो जाती है लेकिन ये चीज़ जो अब हमने देखना शुरू की है कि मतलब पब्लिक प्लेसेस के अंदर और वो भी इफ्तारी के टाइम इफ्तारी के टाइम जब रोजा एक्चुअली आपका ख़त्म हो रहा है मैं शायद हो सकता है वो बुजुर्ग थे उनका इफ्तारी जारी बात है इफ्तारी के वक्त जो होता है वो बिल्कुल आ, आ, बिल्कुल आखिरी आखिरी जो टाइम होता है उसमें ज़रा थोड़ा सा वैसी एंग्जाइटी लेवल्स भी हाई हुए होते हैं शायद ये वजह थी या क्या थी लेकिन आ, अफसोस अफसोसनाक बात है ये और ये बताया जा रहा है मुझे नहीं पता ये कन्फर्म है कि नहीं ये बताया जा रहा है कि जो साहब थे जिन्होंने ये सब कुछ हुआ है जिनके साथ उनका पाकिस्तान तरीके इसाब से गलपन कोई ताल्लुक है वो उनके शायद का कोई कारकुन है या इस तरह भी कोई रिलेशन है इस चीज़ का तो बहरहाल ये इसकी सारी अपडेट थी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुल्क में मेरे माशरे के अंदर अमन कायम रहे किसी ना किसी तरह अमन कायम रहे अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़